हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है बिहार दरोगा एसआई मेंस की एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि कुछ कमेंट भी आ रहे थे और कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि बिहार दरोगा एसआई मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, चूँकि संभवतः अप्रैल में होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए हम किस बुक से तैयारी करें ताकि हमारी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके और हम अपने रिज़ल्ट को श्योर कर सकें, तो उसी के बारे में हम लोग आज बातें करने वाले हैं। क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है, थोड़ा सा डीप पढ़ने की जरूरत है हम सबों को। तो उसमें क्या है, आपको कोई कौन कौन सी बुक पढ़नी है, इस बारे में मैं बातें करूंगी। तो सबसे पहले बात आती है कि बिहार दरोगा एसआई पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ इस बार, उसमें काफ़ी स्टूडेंट उससे थोड़े नाखुश थे कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अजीबोगरीब पूछा गया, ये वो बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें पहले से तैयार अपने आप को पहले से तैयार करके रखें तो हम एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और एक चीज़ है, सबसे पहले मैं बुक्स बताने से पहले एक बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कोई भी एग्ज़ाम जब होता है, चाहे अगर 100 क्वेश्चन का है आपका एग्ज़ाम, तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा कि वो अल्टर पूछे जाते हैं, कि जनरली हो सकता है आप ना भी बना पाएँ। तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, कि उस 15 क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और बाकी के 80 क्वेश्चन जो होते हैं, 75 से 80 क्वेश्चन, उन्हें आप फोकस नहीं करते। अगर ठीक है ना, अगर 20 क्वेश्चन बहुत अल्टर पूछ लिए गए तो 80 क्वेश्चन तो थे ना आपके बनाने लायक, तो उस 80 क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए, उसके लिए नहीं जो कि अल्ट्रा पूछ लिया गया। क्योंकि बोर्ड हमारे हिसाब से काम नहीं करता, अगर उन्होंने क्वेश्चन का जो सिलेक्शन रखा है, अगर एग्जाम हुआ है, तो वो हमारे लिए वो क्वेश्चन को बदल नहीं देगा। आपको या हम सभी को इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, तो ये चीज़ें आप पहले से समझ लें। तो और एक चीज़ है, एग्ज़ाम जो किसी भी चीज़ का अगर आप देते हैं, तो सबसे पहले श्योर हो जाएं कि जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कम एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी स्टूडेंट बनाते हैं जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्हें की जॉब लेना है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कि फॉर्म भर देते हैं, चलो किसी तरह पीटी का रिजल्ट हो गया, अच्छा ठीक है ना मेंस भी देख लेंगे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो कि जिन्हें की एग्जाम जॉब मुझे लेना ही लेना है, 100% लेना है, और इस व्यू से वो तैयारी कर रहे हैं, तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे स्टूडेंट बनाते हैं। बाकी के जो थोड़े अल्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़े से डीप पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को ही बनाने के बाद डिपेंड करता है आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं। तो इतनी बातें आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक बुक है, लूसेंट और क्राउन की मैं बात कर रही हूँ, जो कि बेसिक बुक है, जनरली सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनमें से कोई भी एक बुक, मैं दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एक बुक, लूसेंट या क्राउन, इन्हें आपको एक बुक लेकर के ही चलना है। और पढ़ना कैसे है, मतलब यूं मतलब ना कि करें कि बस ले लिया और पढ़ रहे हैं ना एग्ज़ाम तक, अप्रैल तक पढ़ना है, नहीं, उसका एक टारगेट ज़रूर बना लें, जितने पेजेस हैं उनको, उस पेजेस को आपको कितने दिनों में ख़त्म करना है, उस हिसाब से टारगेट बनाएं कि आपको एक दिन में 10 पेजेस पढ़ने हैं या 15 पेजेस पढ़ने हैं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगाकर, यानी कि पढ़ रहे हैं कहीं और, ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं, बिल्कुल टारगेट बना के पढ़ें कि लूसेंट को ना मुझे 15 दिन में ख़त्म करने हैं या 10 दिन में या फिर 20 दिन में, जो भी आपका टारगेट हो वो टारगेट बनाकर पढ़ें। तो लूसेंट या क्राउन को आपको ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ है, साइंस की बात अगर हम लोग करें, साइंस के लिए जो लूसेंट की साइंस आती है, ये वाली बुक, जो साइंस स्पेशल साइंस के लिए जो लूसेंट की बुक आती है, उसे आप पढ़ें। उसे भी उसी जितनी भी बुक मैं बता रही हूँ, उसे आप प्रत्येक को पढ़ने का तरीका वही होना चाहिए, एक आप बना लें कि मुझे कितने दिनों में ये ख़त्म करना है, ताकि आप समय रहते आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें, क्योंकि पढ़ने से नहीं बल्कि बार बार उसे रिवीजन करने से होता है। तो आप ये लूसेंट की जो साइंस वाली बुक है ये पढ़ लें, साइंस के लिए वो काफ़ी होता है। और हाँ, अब बात करेंगे कि जो अल्टर क्वेश्चन
एक दो आ जाते हैं तो उसके लिए भी मैं बातें कर रही हूँ। पहले जनरली जितने भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये लूसेंट काफ़ी है, इससे क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। और बात करते हैं अब क्राउन की बुक, अगर जैसे नहीं देखा तो ये मैं दिखा दूँ कि ये है क्राउन की बुक, जिनके पास नहीं होगा तो खरीद, और जिनके पास लूसेंट है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप लूसेंट ही पढ़ें, ये है लूसेंट की बुक। अब बात करते हैं एक बुक घटना चक्र की। ओके, घटना चक्र की जो बुक आती है आपको कम से कम 4 बुक लेनी है, अगर आपको 100% रिजल्ट श्योर करना है तो आपको इतने बुक तो आपको लेने ही होंगे, इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो घटना चक्र की जो बुक आती है, देखिए ये आती है पूर्वावलोकन, आई थिंक आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो घटना चक्र की बुक आती है, ये मेरे पास राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस का बुक है। तो इसी तरह के 4 बुक आपको लेने हैं, कौन कौन से बुक, एक तो पॉलिटिकल साइंस का लेना है आपको, एक साइंस का लेना है, एक ज्योग्राफी का लेना है और एक हिस्ट्री का लेना है। ये 4 बुक आप नोट कर लें, ये 4 बुक आपके पास हर हाल में होने ही चाहिए, क्योंकि जब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो बिहार दरोगा पीटी का एग्ज़ाम हुआ, आप मोस्टली क्वेश्चन जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो कि पीटी में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको घटना चक्र तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। तो ये 4 बुक फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, ये आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, मन लगेगा पढ़ने में आपको। तो इसका भी आप पेजेस कर लें या चैप्टर वाइज करें कि आज एक दिन में मुझे ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, दूसरे दिन में ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, इस तरीके से आप चैप्टर वाइज खत्म करके पढ़ें और इसे रिवीजन करें। सिर्फ एक बार नहीं, अप्रैल यानी कि एग्जाम होने तक आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन कर लेना है इस बुक का, ताकि क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से कंठस्थ हो सके, अच्छे से माइंड में सेट हो सके कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसे अच्छे से बना सकें। तो ये 4 बुक आप जरूर, ये जो बुक है घटना चक्र, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी पूछे गए हैं। और ये और एक चीज़ है, जैसे कहते हैं ना कुछ स्टूडेंट कि ये तो जो है एसटेट का था, चाहे सीटेट का था ये क्वेश्चन, और ये बिहार दरोगा में पूछ लिया गया, तो ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पार्टिकुलर किसी के लिए नहीं बना है, जनरली जो क्वेश्चन होते हैं साइंस वगैरह के, चाहे हिस्ट्री वगैरह के, आप देखेंगे जैसे कि जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, UPPCS में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, RS में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, या फिर बीपीएससी का क्वेश्चन जो होता है वो पूछ लिए जाते हैं UPPCS वगैरह में। तो इसीलिए क्वेश्चन कोई पार्टिकुलर नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी में पूछा जाना है, इसीलिए घटना चक्र को मैं फिर से कह रही हूँ कि घटना चक्र को आप जरूर से ले लें और इसे अच्छे से रिवीजन करके पढ़ लें। अब बात करते हैं हम लोग मैथ की, तो मैथ के लिए RS अग्रवाल काफ़ी है। ओके, मेरे पास है नहीं अभी, स्क्रीन पे लगा दूंगी आप देख लीजिएगा। तो RS अग्रवाल की बुक को एक बार आप अच्छे से बना लें, जितने भी चैप्टर हैं RS अग्रवाल काफ़ी है उसमें, जितने भी मैथ पूछे जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग जो थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग के लिए ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, रीजनिंग फिर भी आप बनाना चाहते हैं तो एक लूसेंट की पतली सी रीजनिंग आती है रीजनिंग की बुक, या आपके पास कोई बुक अवेलेबल पहले से ही है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी बुक से आप रीजनिंग बनाएं। रीजनिंग में सिर्फ बनाने का मेथड आपको आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो, तो सारे रीजनिंग के जो बुक होते हैं सभी में वो चैप्टर पाए जाते हैं, तो मतलब मौजूद रहते हैं, तो वो सारे चैप्टर को आप कंप्लीट कर ले। आपसे बाकी रीजनिंग में डिजिट इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल आप देख रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा, कि करंट अफेयर्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी काफ़ी मैं मानती हूँ, या फिर आपको स्पीडी मन नहीं लगता पढ़ने में तो कोई भी करंट अफेयर्स की कोई भी एक बुक, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और पढ़ तो कुछ भी नहीं रहे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी एक बुक, स्पीडी या फिर इडुटेरिया, आपको जो भी पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, और भी मार्केट में बहुत सारे बुक हैं तो आप जाके वहाँ पे देख लें, या फिर तैयारी कर रहे हैं तो आप तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे होंगे करंट अफेयर्स की बुक,
तो बस वन लाइनर जो है आप मोटा मोटी और करेंट अफेयर्स जो पढ़े हर रोज टारगेट कर ले कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं या फिर 100 क्वेश्चन करने हैं। स्पीडी की बुक में जो है वन लाइनर करके दिया हुआ है, तो उसमें भी पेजेस कर लें कि आज मुझे जनवरी और फरवरी कंप्लीट कर लेना है, फिर कल मुझे मार्च और अप्रैल कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से करके आप जो है करंट अफेयर्स का भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि जितनी बुक मैंने बताई अगर उतना आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप 60-70% क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और फिर भी आपके पास अगर टाइम बचता है कि नहीं मुझे और अच्छे से पढ़ना है, इतना तो मैं कर चुका हूँ, तो आप सब्जेक्टिव बुक को पढ़ें। सब्जेक्टिव चाहे ज्योग्राफी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, तो इसका सब्जेक्टिव बुक पढ़ लें। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे मुझे दृष्टि ज़्यादा पसंद आता है तो आप दृष्टि को भी पढ़ सकते हैं। ये मतलब उनके लिए जो कि इतने बुक आप पढ़ के ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपको और भी पढ़ना है तो उनके लिए, बाकी मैंने उसके पहले जितनी भी बुक बताई वो काफ़ी है आपके बिहार दरोगा मेंस के लिए। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक से पढ़ूं, गाइड कर दें, तो आई थिंक ये आपका जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो चुका होगा। और ये सारे बुक जितने मैंने बताए वो आप ध्यान से उसे अच्छे से पढ़ें ताकि अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी हो सके। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।